आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमण के कारण बुरा हाल है और 3,50,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद हालातों को देखते हुए टोटल लॉकडाउन की चर्चा जमकर हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन यानी टोटल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, कल सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कंप्लीट लॉकडाउन का पक्ष रखा। राहुल गांधी ने लिखा, देश में कंप्लीट लॉकडाउन ही लोगों की जान बचा सकता है, भारत सरकार समझ नहीं रही है, कोरोना के इस प्रसार को केवल फुल लॉकडाउन से ही रोका जा सकता है। देश में कोविड 19 के बढ़ते मामलों के बीच उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जनहित में लॉकडाउन लगाने पर विचार कर सकती हैं। बहरहाल उच्चतम न्यायालय ने उनसे कहा कि अगर वे लॉकडाउन लगाना चाहते हैं तो पहले से व्यवस्था करनी होगी ताकि गरीब लोगों की जरूरत पूरी की जा सके। इसी बीच मध्य प्रदेश में 5 मई से 18 वर्ष से अधिक के युवाओं के टीकाकरण अभियान शुरू करने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। दरअसल अभियान 1 मई को शुरू होना था लेकिन वैक्सीन की डोज नहीं आने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। हालांकि सरकार का दावा है कि कोविशील्ड के 4,76,00,000 और कोवैक्सीन के 52,25,000 डोज खरीदने का ऑर्डर दिया गया है। वहीं अब देखना होगा कि बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगने के बाद अन्य प्रदेशों की सरकार आखिर क्या निर्णय लेती है।